अभी हम लोग कूलेंट जो है वो रिफिल कर रहे हैं, ग्रीन कूलेंट है और हम लोग 3 लीटर यूज़ करेंगे। ये फुल पेड सर्विस का गाड़ी है, फुल पेड सर्विस का काम हो रहा है। इसके बाद हम लोग ब्रेक शू फिटिंग करेंगे वो भी दिखाएंगे, और व्हील सिलेंडर भी फिटिंग करेंगे वो भी दिखाएंगे। अभी गाड़ी का हम लोग स्पार्क प्लग चेंज करेंगे। ये स्पार्क प्लग का कंडीशन ऐसा है, स्पार्क प्लग ख़राब रहेगा तो तेल सर्विस सही नहीं आएगा, गाड़ी का पिकअप सही मिलेगा। और जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग खोलने के लिए 16 नंबर जो सॉकेट है सॉकेट लगता है, और नया स्पार्क प्लग जो है हम लोग चेंज कर रहे हैं। यह है चारों स्पार्क प्लग, और पुराना जो स्पार्क प्लग है ऐसा। अभी हम लोग व्हील सिलेंडर भी चेंज करेंगे और शू भी चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए यहाँ पे जो 11 नंबर का जो बोल्ट है, मतलब जो पाइप बोल्ट है उसको खोलेंगे, और इसके बाद नीचे में 10 नंबर दो 10 नंबर है, 10 नंबर बोल्ट खोल के हम लोग व्हील सिलेंडर चेंज करेंगे, और जो ब्रेक शू है वो भी चेंज करेंगे। दोनों तरफ भी चेंज करेंगे, लेकिन एक तरफ का कैसे चेंज होता है यही सिर्फ दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। ब्रेक शू जो है वो ओपन करने के लिए पहले ये जो क्लिप है, जो लॉक है, लॉक हम लोग खोलेंगे। जैसा खोल रहे हैं हम लोग, इधर में भी लॉक खोलेंगे, थोड़ा खेल के बस खुल गया। इसके बाद इसको ड्राइवर से नीचे का स्प्रिंग खोलेंगे, बस ब्रेक शू पूरा ओपन हो गया। अभी इधर में भी पूरा क्लीन करेंगे, और हैंड ब्रेक का जो है ये भी खोलेंगे। पहले आगे व्हील सिलेंडर चेंज कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सिलिकॉन ग्लीस अप्लाई करेंगे तो ब्रेक शू जो है प्रॉपर काम करेगा। हम लोग एक साइड का फिटिंग दिखाएंगे। अभी हम लोग व्हील सिलेंडर फिट करेंगे, और यहाँ पे दो 10 नंबर बोल्ट लगेगा, और यहाँ पे जो पाइप का थ्रेड, ये जो पाइप का थ्रेड है ये फिट होगा। तो ये फिट करो, पहले हम लोग फिट कर लेंगे, नहीं तो जिस टाइम हम लोग जो ब्रेक शू है शू फिटिंग कर देंगे उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिट करने में। इसके लिए पहले आगे हम लोग व्हील सिलेंडर फिट करेंगे, और पीछे में जो है 10 नंबर दो बोल्ट है और थ्रेड है। ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट में हम लोग ऐसे करके फिट करेंगे, और थोड़ा ये जो पोजीशन है ऐसा रहेगा। चलो इधर में फिट करो, और नीचे का जो पोजीशन है ऐसा रहेगा, ऐसा फिटिंग होगा।
और ये जो एग्जस्टर है, एग्जस्टर का जो रैचेट है इधर रहेगा, और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन ऐसा बना रहेगा। अभी एक स्लॉट जो है अंदर में घुस जाएगा, ये पूरा फिटिंग हो जाएगा ऐसा। अभी इधर मैं फिट करूँ, और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसा करके फिट करना है। थोड़ा रिक्सी है, स्प्रिंग छिटकने का चांसेस रहता है, इसके लिए बहुत ध्यान से इसको फिट करना है। और ये जो नीचे वाला जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को थोड़ा प्रेस करके और इसको ऐसे करके टान के स्लॉट में हम लोग घुसा देंगे। ऐसा पिन फिटिंग होता है। तो हर ब्रेक शू जो है ऐसा ही फिटिंग होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, लेकिन फिटिंग करने का जो प्रोसीड्योर है ऐसा फिटिंग होता है। बस ऐसा फिटिंग हो गया। अभी ये जो प्लेट है, ये टेंशन प्लेट ब्लो जाता है, जो रैजेट में लॉक करने का काम करता है यहाँ पर। अभी इसको फिट करो। फिट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद हम लोग ड्राम को थोड़ा हम लोग सीज के बाद देंगे घस के, फिर फिटिंग कर देंगे। और शू जो ओवरऑल है ऐसा रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और उधर में भी ऐसा करके हम लोग फिटिंग करेंगे। और पीछे में जो है ऐसा है, अभी जो फ्यूल फिल्टर कैसे खोला जाता है और कैसे फिटिंग होता है ये गाड़ी का हम लोग चेंज करेंगे। सर्विस के लिए आया, सर्विस का भी वीडियो हो जाएगा, और कैसे करके हर गाड़ी का जो हुंडई का जो गाड़ी का जो फ्यूल जो फिल्टर है वो कैसे चेंज किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। पहले सीट हम लोग खोलेंगे, ये जो है ये कैप हम लोग खोल लेंगे, थोड़ा सही से हम लोग खोलेंगे नहीं तो टूटने का चांसेस रहता है। अभी यहाँ पे एक तो कबलर है, कबलर खोल लेंगे। काम जो होता है बहुत इजी होता है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो सही से हम लोग सीखेंगे तो काम के लिए बहुत आसानी होगा और कुछ फॉल्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एक कपलर है और एक तो मेन पाइप है और एक तो रिटर्न पाइप है। मेन पाइप और रिटर्न पाइप दोनों खोल लेंगे, और यहाँ पे जो क्लाम है क्लाम भी खोल लेंगे। खोल लेने के बाद दोनों पाइप है पाइप को खोलेंगे। यहाँ पे लॉक रहता है, बहुत सावधानी से खोलना है। लॉक के नीचे एक ओरिंग रहता है, ओरिंग सही से नहीं बैठेगा तो तेल लीकेज का चांसेस रहेगा और गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी होगा, गाड़ी नॉकिंग करेगा या ले लेगा। इसके लिए बहुत सावधानी से खोलना है। दोनों जो पाइप है खुल गया, उसके बाद यहाँ पे लॉक रहता है, लॉक थोड़ा यहाँ पे ऐसा वाला लॉक रहता है। ये लॉक जो है दोनों को ऐसा करके पुश करेंगे, ऐसा करेंगे तो लॉक अंदर की तरफ चला जाएगा और ये जो पाइप का मुंह है ये खुल जाएगा। ऐसे वाला ये भी लॉक
ऐसा ही है, इसको ये लॉक को खोलो। फाइनली जो i20 गाड़ी का जो सर्विस का काम हम लोग वीडियो में दिखाने का कोशिश किए वो पूरा कंप्लीट हो गया गाड़ी। फ्यूल फिल्टर बाकी था, फ्यूल फिल्टर भी हम लोग चेंज कर दिया, वो भी ये वीडियो के अंदर में हम लोग दिखाएंगे। और जनरल चेकअप अभी करेंगे, अभी जनरल चेकअप करो। पानी एकदम प्रॉपर हो गया, थोड़ा कूलेंट डालो, टॉप अप करो। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हाँ, ये जो मार्किंग है, मार्किंग का थोड़ा ऊपर में रहेगा, और थोड़ा डालो डालो, बस छोड़ दो। हाँ, बेल्ट वगैरह भी पूरा हम लोग चेंज कर दिया, और मोबिल भी हम लोग चेक किया, मोबिल नया मोबिल है, मोबिल भी डाल दिया। पूरा बैटरी भी हम लोग चेक कर लिया, और गाड़ी टॉप अप। और जिस टाइम हम लोग थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन हो गया, जो ट्यूनिंग बोला जाता है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गया, और फिल्टर वगैरह जो है सब फिट हो गया। वो वीडियो हम लोग दिखा दिए, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। अभी गाड़ी हम लोग रोड टेस्ट करेंगे। गाड़ी का पूरा हम लोग अभी रोड टेस्ट करेंगे। गाड़ी 18,393 किलोमीटर गाड़ी चल गया, और गाड़ी का कुछ ऐसी वेंट वगैरह टूटा हुआ है, वो ये सब हम लोग वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी गाड़ी रोड टेस्ट करेंगे। अभी हम लोग फाइनल रोड टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का जो रोड टेस्ट होता है वो कंपनी का अंदर में ही होता है, थोड़ा रास्ता का वजह से प्रॉब्लम होता है। गाड़ी जो है बहुत स्मूथ चल रहा है। और ये जो रास्ता है एक थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, नॉइज़ जो होता है गाड़ी का बॉडी का डोर का ये सब नॉइज़ के लिए हम लोग ये जो रास्ता है रास्ता को हम लोग बना के रखा, और अंदर में सही रास्ता है। जिस टाइम लॉन्ग टेस्ट होता है उस टाइम हम लोग बाहर में निकलते हैं, लेकिन ये सिंपल पेट सर्विस का गाड़ी था, फुल पेट सर्विस था, इसके लिए ज़्यादा हम लोग गाड़ी को नहीं चलाएंगे। गाड़ी का एसी जो है बहुत अच्छा ठंडा हो रहा है, और कुछ काम है कस्टमर नहीं कर रहा है। ये ओल्ड मॉडल जो i20 है बहुत अच्छा गाड़ी है। गाड़ी जो होता है सभी अच्छा गाड़ी होता है, लेकिन जो रिलायबिलिटी होता है कुछ गाड़ी में कंफर्ट ज़्यादा है। अभी गाड़ी हम लोग वॉशिंग डिपार्टमेंट में देंगे। ये हम लोग का वॉशिंग डिपार्टमेंट, गाड़ी फुल हम लोग जो पेट सर्विस का काम है। और ये जो वीडियो है वो दो चार पार्ट में हम लोग अपलोड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और देख के समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप, पेट सर्विस वाला स्टेप अलग होगा, रोड टेस्ट वाला स्टेप अलग होगा, फ्यूल फिल्टर चेंज करने वाला स्टेप अलग होगा, इंजन ऑयल चेंज करने वाला स्टेप अलग होगा। ऐसा छोटा छोटा करके हम लोग वीडियो डालेंगे, जो आसानी से जो i20 का जो सर्विस कैसा होता है ऐसा पूरा कंप्लीट रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आफ्टर अपलोड करेंगे, तो उस टाइम भी जो देखेगा जो सीखेगा जो काम करेगा वो बहुत आसानी होगा, आराम से काम कर सकेगा। सबको सिखाना चाहिए, तब जाके एक तो टीम लीडर एक तो टीम बनता है। हम लोग एक संग में सब मिलके यहाँ पे सब मिलके काम करते हैं, इसके लिए काम जो है प्रॉपर होता है। ये सब काम जो होता है सबका खुद का काम नहीं है। जैसा पेट सर्विस का काम है हम लोग कर लिया, लेकिन वॉशिंग डिपार्टमेंट का काम वो तो हम लोग नहीं करेंगे। वो वहाँ पे भी अच्छा करके काम जो है पूरा सही करके करना है, वॉशिंग क्लीनिंग वैक्यूम ठीक है पॉलिशिंग पूरा सही से करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। गाड़ी का काम हम लोग कंप्लीट किया, अभी वॉशिंग में देंगे गाड़ी,
और बस नमस्ते, थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ अब लोग जो है मतलब जानना चाहते हैं गाड़ी का बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। सबको हम लोग हम फ़ोन में बता नहीं सकते, लेकिन कमेंट में हम लोग बताएंगे, हम बताएंगे जो क्या प्रॉब्लम होता है गाड़ी का, कुछ कुछ ऐसा सब स्टेप बाय स्टेप मेरा यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है और फेसबुक में भी अपलोड किया हुआ है। सब जगह में हम अपलोड कर देते हैं, जो इसलिए आप अपलोड कर देते हैं जो यूट्यूब देखता है तो यूट्यूब में मिल जाएगा, जो फेसबुक देखता है तो फेसबुक में मिल जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा लगता है अपना वीडियो बना के अपलोड करना, सबको सिखाना, खुद सीखना। अरे वीडियो जिस टाइम हम लोग बनाते थे मतलब बनाएंगे, बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलता है, हमको सबको, सब टेक्नीशियन लोग सब काम कर रहे हैं, अभी एक एक करके काम करेंगे। बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, और कुछ भी काम जैसा मिस्टेक होने से ये एक्सीडेंट होगा बस, और कुछ नहीं है। दूसरा काम जैसा घर घर का कॉन्ट्रेक्शन का काम ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत मिस्टेक होने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये सब काम में जैसा एक तो ओरिंग मिस्टेक होने से स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगा, फिर क्लिप जो है क्लिप नहीं लगाने से ओरिंग खुल जाता है, ये सब बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और जो नट बोल्ट है वो सही से टॉक करके हम लोग फिट करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। बहुत ऐसा चीज मेंटेन करके करना काम जो है करना पड़ेगा। बस थैंक यू।